गुड मॉर्निंग क्लास टू, वेलकम बैक टू योर जीके क्लासेस। सो प्लीज स्टूडेंट्स, टेक आउट योर जीके बुक्स इनसाइड आउट, अ पेंसिल, एन इरेजर एंड अ शॉर्पनर। ओके, सो एंड नाउ ओपन पेज नंबर 5। सो टुडे वी लर्न मोर अबाउट एनिमल ट्राइविया। So open page number 5 now. So in the last class we learn about what do animals eat, that what kind of animals are herbivorous, omnivorous and carnivorous. Animals that eat only plants are herbivorous. Herbivorous कौन से plant animals होते हैं जो सिर्फ plants खाते हैं या plants के products खाते हैं. Next, carnivorous who eat only flesh of other animals, यानी जो दूसरे animals का flesh खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, carnivorous. And what are omnivorous? Animals that eat both flesh and plants, जो plants और उसके products भी खाते हैं और animals का flesh भी खाते हैं उनको क्या कहते हैं, omnivorous. And we learned about some animal sound, what kind of sound does an animal make. And third is classification, what are mammals, what are birds, what are reptiles and what are fish. I hope you all remember that. So now let us come to the fifth chapter. Okay, so let quickly come to the quick facts. Now giraffe is the tallest of all animals living on land. Jitne bhi animals hamare land mein hai unme se sabse tallest animal kaun sa hai, giraffe. Okay, now more about elephants. Elephants can smell water from as far as 3 miles away. Elephants क्या water को कहां तक smell कर सकते हैं, उनकी smell कितनी strong होती है कि वो 3 miles away तक क्या कर सकते हैं, water को smell कर सकते हैं. Okay, now let's start with the activity. Group of different type of animals have different names. Example, group of ants are called colony and group of cats are called a clutter. जो animals होते हैं उनके different जो groups होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम different name से जानते हैं. जैसे कि जो अगर ants हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कहीं या बाहर कहीं पे ants होती है, बहुत सारी ants होती है, तो उसके group को क्या कहते हैं, colony. आंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलोनी. एंड अ ग्रुप ऑफ कैट इज कॉल्ड अ क्लाउडर, जहां पे बहुत सारी कैट्स होती हैं तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लाउडर. ओके, नाउ रीड दीज क्लूज एंड सर्कल द करेक्ट आंसर. नाउ दीज आर द क्लूज, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीड दीज क्लूज एंड वी हैव टू सर्कल द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. इट इज अ मैमल. हमने लास्ट क्लास में मैमल्स के बारे में पढ़ा था ना, तो डॉग, एंट और गोल्ड फिश. व्हाट इज अ मैमल, अ डॉग. डॉग इज अ मैमल बिकॉज एंट इज अ इंसेक्ट एंड गोल्ड फिश इज अ फिश. सो व्हाट इज अ मैमल, डॉग. सो व्हील सर्कल डॉग हियर. नाउ horses live in a, horses कहाँ रहते हैं, do they live in a stable or a cave or a hut. कहाँ रहते हैं horses, कहाँ रहते हैं, stable में. next, this bird cannot fly. is it a sparrow, is it a parrot or a ostrich. So in chapter 4 we read about ostrich cannot fly. An ostrich is a bird. So which bird cannot fly? Ostrich. So we'll circle ostrich. Remember students, you will use only pencil on your books. Okay? Next, it's an insect.
लिजर्ड, फ्रॉग और ग्रास हॉपर. व्हाट इज अ लिजर्ड? इन द लास्ट क्लास वी रेड अबाउट लिजर्ड. लिजर्ड इज अ रेप्टाइल, रिमेम्बर? एंड वी रेड अबाउट ग्रास हॉपर ऑल्सो एंड अ फ्रॉग ऑल्सो. सो व्हाट इज द इंसेक्ट? अ ग्रास हॉपर. सो व्हील सर्कल, ग्रास हॉपर. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ डियर इज कॉल्ड अ, जो बहुत सारे डियर्स हो, यानी अगर बहुत सारे डियर्स एक साथ हो या उनका ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं? इज इट अ स्कूल, इज इट अ हर्ड, इज इट अ बैंड? इट इज कॉल्ड अ हर्ड. एच ई आर डी, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ हर्ड. नाउ नेक्स्ट, अ बर्ड दैट हॉन्ट्स एनिमल फॉर फूड. वो कौन सी बर्ड है जो दूसरे एनिमल्स को फूड के लिए हॉन्ट करती है, मीन्स डराती है? इज इट अ पिजन, इज इट अ ईगल और अ डक? इट इज अ ईगल. सो व्हील सर्कल, ईगल है. नेक्स्ट, इट लिव्स ओनली इन वॉटर. वो कौन सा एनिमल है जो सिर्फ वॉटर में रहता है? इज इट अ फ्रॉग, अ क्रोकोडाइल और अ फिश? फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल क्या होता है, ये भी वॉटर में रहते हैं लेकिन ये लैंड पे भी रह सकते हैं. एंड द क्वेश्चन सेज इट लिव्स ओनली इन वॉटर, तो सिर्फ वॉटर में कौन रहती है? फिश. सो व्हील सर्कल, फिश. नेक्स्ट, अ यंग फ्रॉग इज कॉल्ड अ, जो फ्रॉग यंग फ्रॉग होता है, बेबी फ्रॉग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? टेडपोल, कप और पप? इट इज कॉल्ड अ टेडपोल. व्हाट इट इज कॉल्ड? अ टेडपोल. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 6, पेट एनिमल्स. A pet animal is kept at home as a friend. What are pet animals? Pet animals कौन से होते हैं? जो animals हम अपने घर पे रखते हैं as a friend, like dog. जैसे आपको आपके या आपके friend के घर में या किसी relative के घर में dogs होंगे, तो वो क्या होता है? Dogs क्या होते हैं? उनके friend की तरह होते हैं और वो उनके घर पे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? Pet animals. Pet animals is kept at home as a friend. जो भी एनिमल्स हम घर पे एज अ फ्रेंड रखते हैं उनको क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स. नाउ द मोस्ट पॉपुलर पेट एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डॉग्स, कैट्स, फिशेस एंड पैरट्स. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन से पेट एनिमल्स होते हैं? सबसे ज्यादा कौन से एनिमल पेट एनिमल्स होते हैं? डॉग्स, कैट, फिशेस एंड पैरट्स. लेट्स लर्न मोर अबाउट पेट डॉग्स. सम pet dogs can be trained to show the way to their owners who have lost their sight. यानी कुछ pet dogs ऐसे भी होते हैं जो इस तरह से train किए जा सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अपने owner, जो owners की sight नहीं होती, यानी उनको दिखता नहीं है, जो blinds होते हैं वो उनको way भी दिखाते हैं, उनको रास्ता भी दिखाते हैं. कुछ pet dogs को हम ऐसे भी train करते हैं. Okay? So now let us come to the activity. Circle the correct spelling of the word for each picture shown. ये हमें pictures दी हुई हैं. इनमें क्या है? कुछ spellings लिखी है. So what we have to do is we have to circle the correct spellings. We have to circle the correct spellings. Okay? So now first, it is a rabbit. So what is the spelling of the rabbit? It is R-A-B-B-I-T, rabbit. So we'll circle rabbit. Now second, what it is? It is a parrot, and the correct spelling of parrot is P-A-R-R-O-T, parrot. So we'll circle here.
ओके नेक्स्ट व्हाट इट इज, इट इज अ हेयर. व्हाट इट इज अ हेयर एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज एच ए आर ई हेयर. नेक्स्ट व्हाट इट इज, इट इज अ किटन, द यंग वन ऑफ कैट. कैट जो यंग कैट होती है, जो छोटी कैट्स होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, किटन. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ किटन, के आई टी टी ई एन किटन. व्हाट इट इज किटन. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर, इट इज अ बुलडॉग. इट इज अ बुलडॉग एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बुलडॉग, बी यू एल एल डी ओ जी बुलडॉग. सो व्हील सर्कल हेयर. नाउ व्हाट इट इज, इट इज अ क्यूट पपी. व्हाट इज अ पपी, अ यंग डॉग. जो छोटे छोटे डॉग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पपी. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पपी, पी यू पी पी वाई पपी. सो वील सर्कल दिस. नेक्स्ट व्हाट इट इज, इट इज अ पोनी. इट इज अ पोनी एंड द स्पेलिंग ऑफ पोनी इज पी ओ एन वाई पोनी. नेक्स्ट व्हाट इट इज, इट इज अ हॉर्स एंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हॉर्स इज एच ओ आर एस ई हॉर्स. सो व्हील सर्कल दिस स्पेलिंग. नाउ द लास्ट वन व्हाट इट इज, इट इज अ गोल्ड फिश. इट इज अ गोल्ड फिश एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज जी ओ एल डी एफ आई एस एच गोल्ड फिश. सो व्हील सर्कल हेयर. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू चैप्टर नंबर 5 मोर अबाउट एनिमल ट्राइविया एंड चैप्टर नंबर 6 पेट एनिमल्स. ओके सो दिस वॉज योर क्लास वर्क एंड you have to do it and you can submit your work till Monday. Okay, you can submit your work till Monday and you have to send the pictures to your class teachers. So students, today we learned about some animal trivia and about pet animals. So rest we'll do in the next class. So that's all for today. Okay. And one more thing. So let me open page number 8. You have to, in the next class, we'll read about endangered birds. Okay. So before that, what you have to do is, you have to just color this bird, color this endangered bird. It is called a spoon-billed sandpiper. Okay, so in the next class we'll read about that, we'll learn about what are endangered birds. Okay, so before that what you have to do is, this is your homework, you just have to color this picture and share it to your class teacher. Okay, so that's all for today. Thank you so much class and have a great day. Bye bye.